ये अध्यक्ष नहीं, ये रिमोट चुने गए हैं जिनके माध्यम से गांधी परिवार पार्टी को चलाएगा। ये रिमोट हैं क्योंकि कांग्रेस में बिना गांधी के कोई पार्टी चला नहीं सकता, और गैर गांधी के इन्होंने चुना था सीताराम केसरी को और उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंका था। 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार पिता भी सितारे मैया को उतारा था और वो हार गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए लेकिन वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके, उनको इतना तंग किया गया कि उनको रिजाइन देना पड़ा और उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। तो ये बिना गांधी के तो कोई चला ही नहीं सकता, किसी को अध्यक्ष चुन ले। रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में ही होगा। और मुझे तो ये भी आश्चर्य होता है कि ये गांधी आ कहां सके, क्योंकि मैंने महात्मा गांधी जी का सारा फैमिली ट्री पढ़ा है, उनका कहीं पर भी कहीं से भी जवाहरलाल नेहरू के साथ कोई संबंध नहीं है कहीं से भी। ये तो जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनका जो पति थे वो फिरोज शाह गैंडी थे, GHANDY गैंडी। अब इन्होंने गैंडी को गांधी बना दिया, इन्होंने तो महात्मा गांधी से भी नाम चुराया है, इनका नाम नहीं है गांधी। सस्पेंस था ही नहीं, जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पर्चे दायर किए थे उसी दिन ये तय था कि वो ये चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि साफ साफ उनको पॉलिटिकल लीडरशिप का समर्थन है। और देखिए ये जो वोटिंग हुई है 7000 कुछ वोट जो खड़गे साहब को पड़े हैं, उससे साफ जाहिर है कि श्रीमती सोनिया गांधी और परिवार का पूरा वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में है और बहुत सालों से उसकी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार के सदस्यों ने किया है। शशि थरूर को मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बात कही वो करके दिखाई, और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा। प्रांतों के कांग्रेस के जितने भी नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, वो खड़गे जी के साथ थे, मगर फिर भी शशि थरूर ने चुनाव लड़के 1000 से अधिक वोटें ली हैं। और मैं मानता हूं कि पिछले कई इलेक्शनों में जब डिसिडेंट्स ने चुनाव लड़ा इतनी वोटें किसी को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं किसी सतह पर जो शशि थरूर कह रहे हैं उनकी बात की पहुंच लोगों के दिलों तक पहुंची है। आगे उनका रोल क्या होगा ये तो नए कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे।